हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वेक्टर का, तो डिटरमाइन द साइन। साइन यहाँ पे बेसिकली साइन थीटा वाला यूज़ करना है हमें। एंगल बिटवीन द वेक्टर आपका देखिए, ए अगर हम मान लेते हैं पहले वाले को और दूसरा वाला अगर हम बी वेक्टर मान लेते हैं, दैट इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसको हम अगर ए वेक्टर मान लिए, दूसरे वाला जो दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको साइन वाला एंगल यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है लेट सी। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। अब देखिए यहाँ पे हम हर एक वीडियो में जब भी हम वेक्टर्स का कराते हैं क्वेश्चन, तो इसमें बताते हैं कि ए वेक्टर का जो मोड होगा, इसको हम ए भी बोल सकते हैं। जैसी ए वेक्टर के पास जैसी मोड का साइन लग गया वहाँ पर, समझिए वो ए हो गया डैट इज, और बी आपका हो गया वहाँ पर अगर मोड लगाया तो। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप ये लिखें साइन थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय ए बी। अगर आप ये भी लिखे तो भी सही है। तो देखिए बेसिकली हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमें करके निकालना होगा। फॉर्मूला के हिसाब से हमें जो है ये निकालना है, दोनों को हमें निकाल कर क्या करना है, पुट करना है, तो हमें थीटा का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पर हम जो है दोनों निकालेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे निकालेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा, इनफैक्ट अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये बॉक्स जैसा बना लेना है, ये आई कैप, ये आपका जे कैप और ये के कैप। अब यहाँ पे देखिए आई जे के पास क्या क्या है। देखिए सबसे पहले ए वेक्टर में 3 दिया है, 3 लिख देंगे। कोफिशियंट्स देखिए, इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है। अगर देखिए यहाँ पे सपोज कि अगर के वेक्टर नहीं दिया रहता, ए वेक्टर में आपका जैसे 2k कैप दिया है ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, इसका मतलब कि आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो कुछ भी नंबर, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि उसमें वहाँ पर केस में के कैप आपका जीरो होता, क्योंकि यहाँ पे दिया है कोफिशियंट, तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट कोफिशियंट पुट करना है। अब यहाँ पे बी वेक्टर के पास देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 और 4 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ लिखे कोफिशियंट्स। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा। तो देखिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले हम आई कैप वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो ये आई कैप वाले टर्म में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें कैसे करेंगे। आप आई कैप ले रहे हैं तो आई कैप को बिल्कुल एकदम ढक दीजिए, यानी कि हाइड कर दीजिए। बाकी के दो जो आपको दिए जे कैप और के कैप, उसके कोफिशियंट्स को लिखना है, ठीक है। तो इसको हाइड कर देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 2, बेसिकली -2 और 4, ठीक है, बिल्कुल जैसे दिया था एज इट इज हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए, आपका आई कैप के साथ पॉजिटिव होता है, जे कैप के साथ नेगेटिव होता है और के कैप के साथ पॉजिटिव होता है। तो बीच में आपका नेगेटिव आता है, तो के कैप के साथ आपका नेगेटिव का रहेगा, तो आप के कैप को बिल्कुल हाइड कर दीजिए। तो बाकी लिखते हैं, तो यहाँ 3 2 2 4। अब यहाँ पे प्लस का के कैप, इसके अंदर देखिए के कैप को आप बिल्कुल हाइड कर दीजिए, कितना बचा 3 2 3 1 2 -2, ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा,
वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप। अब यहाँ पे देखिए ये वन इनटू, देखिए सबसे पहले ऊपर है तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट वाला 1 इंटू 4 दैट इज 4, और ये 2 इंटू 2 -2, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन अंदर जो है माइनस होता है, तो ये माइनस और माइनस का 4, तो ये आपका ब्रैकेट बाहर का क्लोज हो जाएगा माइनस जे कैप। अब यहाँ पे हम इस वाले को करेंगे 3 इंटू 4 डेट इज 12 माइनस, और ये आपका 2 इंटू 2 डेट इज 4 प्लस के कैप का अब हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू -2 तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का साइन लगेगा। अब ये देखिए 1 इंटू 2 2 होता है तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल जहां ऐड करना होगा वहां ऐड करेंगे, जहां माइनस करना होगा माइनस करेंगे। आई कैप आपका यहाँ पे देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, यानी कि बेसिकली हम 8 i कैप लिख सकते हैं। ये 8 i कैप माइनस का जे कैप, यहाँ पे देखिए जे कैप लिखे लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस का 8 j कैप प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आपका माइनस का 8 आ रहा है, यहाँ पे आपका माइनस का 8 k कैप, ये हो जाएगा बेसिकली। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो अब जो हम इसको लिखेंगे तो कैसे, आपका जो है 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k कैप ये आ गया। ये सिर्फ आपका ये निकला, अब आपको जो है मोड निकालना है। मोड तो हम देखिए ए वेक्टर का मोड निकालेंगे, तो ए वेक्टर का मोड, तो ए वेक्टर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसके कोफिशियंट्स को हम बेसिकली अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले है 3, फिर 1, फिर 2, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 4, यानी 9 प्लस 4 जाएगा 13, 13 प्लस 1 14, तो ये आपका आ गया ए वेक्टर का मोड। अब हम बी वेक्टर का मोड निकालते हैं, तो बेसिकली बी वेक्टर का मोड निकालेंगे, अब बी के कोफिशिएंट्स को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बी के कोफिशिएंट्स क्या है, 2 माइनस 2 और 4, तो देखिए यहाँ पे हम अंडर रूट देंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देखिए ये माइनस का नेगेटिव का साइन अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं देगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 4 प्लस 4 8 8 और 16, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट का 24, तो ये ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर निकला। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला को पुट करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर हमारा कितना आया था, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आया था 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k कैप, तो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि अब हम जो है यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड चूंकि निकालेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ये चीज होता है। देखिए फॉर्मूला जो है बेसिकली ये फॉर्मूला होता है आपका, देखिए ये जो है मोड लगा रहेगा यहाँ पे बाहर में, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसको याद करना कुछ खास बात नहीं है, आपका ऊपर में जो है आपका मोड जो है दे देंगे आप, और बाई में जो है उसको अलग अलग करके मोड निकालेंगे, बहुत ही ईजी इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको बताया अभी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 8 रूट 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ऊपर आपका आ गया 8 रूट 3 बाई, और बाई में हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक वेक्टर का मोड जो आया था 14 आया था अंडर रूट का,
और ये आपका 24 आया था। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली अब हम जो है यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ए सॉरी साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, 8√3, और ये जो है चूंकि 14 ये तो बाहर निकलेगा नहीं, और ये जो है 8 3 जा 24, तो डेट इज 2 × 6, यस ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 कर दो और इसको फिर 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका √6, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका ऊपर क्या रह गया, आपका 4 × बाई में फिर आपका, तो 4 / √14 इंटू का √2, तो यहाँ पे आप √2 लिख दो, तो फिर √2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया, और 2 अलग से, ये हम सिर्फ कैंसिलिंग के लिए थोड़ा सा इजी वे में लिखे हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, इस 14 को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम, बेसिकली यहाँ √2 × √2 बाय 14 को क्या लिख सकते हैं हम √2 × √7, ये कैंसिल, क्या आ गया आपका 7 2/√7, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2/√7, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।